हेलो दोस्तों, आई एम नारायण फ्रॉम वेस्ट बंगाल। आज हम स्टॉक रिगार्डिंग नया कुछ देखेंगे जिसमें बिगिनर लोग कैसे काम करते हैं, कैसे काम करना चाहिए, एक्चुअली बिगिनर लोग को कैसा काम करना चाहिए ये हम देखेंगे कि प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे होते हैं। शायद आप लोग सुन पा रहे हैं और सब भी देख पा रहे हैं, तो आपका रिस्पॉन्स भी आता रहे। एक्चुअली मैं बहुत सालों से मार्केट में हूँ, 2007 से मैं मार्केट को देखा है, गिरते हुआ भी देखा है। 2008 का सेशन में बुरी तरह से गिरते हुआ देखा। एक्चुअली मैं उसमें बहुत ज़्यादा लॉस भी कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने स्टेप बाय स्टेप उसको समझने की कोशिश की और थोड़ा सा उसको कोर्स को लेके मैं उसका टेक्निकल्स के बारे में समझने का कोशिश किया, उसको थोड़ा सा स्टडी किया। फिर मैं कंटिन्यूसली मैं मार्केट में स्टडी करता रहा और उसके साथ साथ मैं ट्रेडिंग करता रहा। तो आज मैं बिगिनर्स के लिए, तो मेरे जो एक्सपीरियंस है, मेरे सारे कुछ एक्सपीरियंस मैं आप तक सबके साथ शेयर करूंगा। तो जिसमें बिगिनर्स के लिए मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ जिसमें से क्लियर हो जाएगा कि कैसे ट्रेड लेना है और कैसे इस मार्केट को समझना है और कैसे ये काम करना है। पहले तो एक बात है, फर्स्ट आपको जो समझना है इस मार्केट के बारे में वो है इस मार्केट में आपको बिलीफ सिस्टम को बनाना है। तो बिलीफ सिस्टम आपका कैसे बनेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, ये अगर कंट्री का इकोनॉमी ग्रो करता है तो ऑटोमेटिकली स्टॉक मार्केट भी अप होगा। यस और नो? ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू है। तो मार्केट में जितना भी हम देखेंगे उसका अप ट्रेंड, उसके लिए हमारा इकोनॉमी का भी ग्रो होना बहुत जरूरी है। इकोनॉमी ग्रो होगा तो अल्टीमेटली हमारे मार्केट भी अप होता रहेगा। सेकेंड सिस्टम में इसको हमको बिलीव करना चाहिए, इसका जो फैक्ट है इस फैक्ट को हमको समझना चाहिए, स्टॉक मार्केट का फैक्ट को समझना चाहिए। अगर ये हम समझ जाए तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ से पैसा अच्छा खासा बना सकते हैं। तो इसके लिए पहले तो एक थ्योरी को हमको देखना है, जिस थ्योरी के ऊपर दिखा जाता है क्या नहीं, ये लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये एक भीड़ से लगा हुआ है। तो जो भीड़ से लगा हुआ है उसमें एक मार्किंग किया गया है जो 95% एक मार्किंग है और अकेला एक आदमी खड़ा हुआ है उसके पास 5% का मार्किंग है। तो यहाँ पर से क्या होता है कि ये मार्केट में भी ऐसा ही हो रहा है कि 95% लोग एक तरीका से काम कर रहा है। जो लोग सोच रहे हैं ये मार्केट बहुत टफ मार्केट है, बहुत ज़्यादा रिस्क मार्केट है, यहाँ से पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल है, अल्टीमेटली लॉस ही होता है। अब कहीं पर भी किसी के साथ भी आप बात करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको राय देगा ये स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल है, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान के चांसेस होता है, बहुत ज़्यादा लोग नुकसान कर चुका है ऑलरेडी, है ना दोस्तों? तो मैं बंगालियन में भी थोड़ा थोड़ा, मैं बंगाली में भी थोड़ा थोड़ा बहुत बताऊंगा। ये सबाई जाने जो मार्केटे प्रचंड लस है और टाका हारे जाओ सम्भावना थे, क्योंकि तरपे देखा गया है जो 1% मानुष अलरेडी प्रफिट कर, तो से पार्सेंटेजा के मोर दैन 5% आशा करी सबाई हमारे संगे एग्री कर दें। ये तो अन्य दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर दिखा जाता है कि 95% लोग नुकसान में है, लेकिन 5% लोग अल्टीमेटली कंटिन्यूसली प्रॉफिट बनाते जा रहे हैं। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स, उन लोगों को हम प्रोफेशनल ट्रेडर कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं, FIDI वगैरह वगैरह बहुत सारे कुछ हो सकते हैं, लेकिन इस मार्केट का ये फैक्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5-10% लोगों के पास ह्यूज पैसा बनता है और बाकी 95% के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं बनता है। और करीबन इसमें 30-40% तो ज़्यादा ही नुकसान में होते हैं। तो ये क्यों होता है और यहाँ से कैसे निकला जाए और इसमें से कैसे पैसा बनाया जाए, इसके लिए पहले हम लोगों को देखना है ये स्टॉक मार्केट कैसा काम करता है। अगर हम 1992 से देखते हैं तो 1992 में स्टॉक मार्केट का तो हर साल ही डाउन होता है, अप होता है ना। तो इसमें से भी इस मार्केट का एक स्टेडी मूवमेंट रहता है जिसमें से ये मार्केट अप कंटिन्यूसली होता जाए। तो अगर हम ये थ्योरी को देखें कि 1992 में मार्केट का 54% का डाउन हुआ, लेकिन 54% डाउन होने के बाद इन्हें फर्स्ट ईयर एक साल के अंदर फिर दिखा गया और रिकवरी किया 127% नेक्स्ट डेढ़ साल तक। अगर 96 में देखा जाता है तो उसमें देखा जाएगा जब 40% का डाउन में गया था यह मार्केट, लेकिन उसके बाद चार साल में 115% का अप ट्रेंड लिया, मतलब ग्रोथ मिला है इस मार्केट को। अगर आप 2000 साल में देखते हो तो 2000 साल में भी 56% का डाउन आया, लेकिन उसके बाद अगले डेढ़ साल तक उसने 138% का
उसने रिकवर किया है। अगर 2008 में देखते हो तो एक साल में लगातार उसने 61% का डाउन किया जो उसका आफ था, लेकिन उस आफ से भी ऊपर जो डाउन हुआ वहां से फिर से उसने 157% नेक्स्ट 1.5 सालों में उसने रिकवर किया। अगर 2010 में देखते हो, 2010 में उसका डाउनफॉल आया 28%, लगातार एक साल तक वो डाउन में गया मार्केट, लेकिन उसके बाद उसने फिर वहां से नेक्स्ट 3 सालों में 96% का अप किया। अगर 2020 में देखा जाए तो अभी तक मार्केट करीबन 21% की लो में घूम रहा है, लेकिन प्रीवियस 4 मंथ से जो करीबन 35% तक का लो हमने अभी तक देखा। तो ये तो था मार्केट का अपर डाउन। एक तो चीज हमारे पास क्लियर हो गया कि मार्केट में जितना डाउन साइड भी आता है लेकिन उससे ज्यादा मार्केट में अप साइड होता है। इसलिए अब अगर सेंसेक्स या निफ्टी को देखोगे तो 1992 में जितना उसका निफ्टी था और आज का निफ्टी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो अल्टीमेटली ये अप ट्रेंड ही होता है ना, बीच बीच में थोड़ा बहुत वो करेक्शन भी करता है। तो इस हिसाब से अगर हम जो इसका रिस्क मैनेजमेंट है या तो बाकी सारी जो बात है, तो यहाँ पर हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं चाहिए, पहले तो ये बात हम लोगों के पास आ जाए। तो इसको अगर हम देखें तो आज हमारे पास जितने पैसे हैं, हम पर जो भी कुछ कर रहे हैं उसके बाद हम जो पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कोशिश करते हैं तो उसमें से क्या होता है ना, बहुत सारे हमारे जगह मिलता है जिस सेक्टर में हम लोग इन्वेस्ट करके कुछ पैसा बना सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है, हाई रिटर्न्स, लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन हाई रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन इस मार्केट में इन्वेस्ट करने के साथ साथ स्किल और ट्रेनिंग का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। अगर आपके पास पूरा स्किल एंड ट्रेनिंग नहीं है तो इस मार्केट से पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। अगर सेकंड थिंग हम अगर बैंक में डिपॉजिट करते हैं या तो कोई कंपनी में डिपॉजिट करते हैं या तो कोई गवर्नमेंट सेक्टर में डिपॉजिट करते हैं, उसमें क्या होता है ना, उसमें रिस्क तो नहीं होता है, लिक्विडिटी भी अच्छा है, लेकिन लो रिटर्न्स होता है। जो हमारे इन्फ्लेशन का हिसाब से उतना ग्रोथ उसे नहीं मिलता। अगर आप बैंक डिपॉजिट करते हो तो ईयरली कितना मिलेगा, 7-8%, 9%, 10% से ज़्यादा नहीं, इतना ईयरली रिटर्न बन सकता है। म्यूचुअल फंड्स में भी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, हमारे पास जितने सारे ऑप्शंस हैं, स्टॉक, एफडी, कंपनी, बैंक डिपॉजिट, उसके बाद म्यूचुअल फंड अगर एक दूसरा एक ऑप्शन है, जहाँ पर इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर मॉडरेट रिटर्न मिलता है, मतलब बैंक से थोड़ा ज़्यादा मिलता है बट स्टॉक से थोड़ा कम मिलता है, तो मॉडरेट रिटर्न होता है। लेकिन इसमें भी हाई रिस्क है फंडामेंटल, और ये पूरा डिपेंड करता है इसका फंडामेंटल कैसा चल रहा है, फंड मैनेजर कैसा आपको काम करवा रहा है, इसके ऊपर इसका रिटर्न डिपेंड करता है। लेकिन इसका फीस भी बहुत ही ज्यादा होता है ना, इसके चार्जेस भी बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद दूसरा एक ऑप्शन मिलता है हम लोगों को रियल स्टेट में काम करने का, जिसमें हाई रिटर्न्स मिल सकता है। लेकिन रियल स्टेट के अंदर हाउस, लैंड, शॉप्स वगैरह बहुत कुछ आ जाता है, ये बहुत हाई वैल्यू एसेट्स होता है, इन्फ्लेशन को भी बीट्स कर सकता है, इसका लिक्विडिटी भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें इन्वेस्ट सबके बस की बात नहीं होता है क्योंकि ये हाई एंट्री कॉस्ट होता है ना, हाई एंट्री कॉस्ट में सबके लिए नहीं है। बुलियन में भी सेम लो रिटर्न है लेकिन लिक्विड पोर्टेबल है, कैश में तो कुछ नहीं है, लिक्विडिटी भी है और पोर्टेबल भी है बट नो रिटर्न, नो रिस्क, इन्फॉर्मेशन में भी कोई रिस्क नहीं है। तो ये है, अगर हम इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स को देखें तो यहाँ हमारे पास करीबन ये 5 ऑप्शंस मिलते हैं, स्टॉक्स के, एफडी, बैंक्स और कंपनी डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और बुलियन होता है। तो रिटर्न परसेंटेज भी हम लोग देख लिया कि स्टॉक में हाई रिटर्न होता है लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है, तो इसमें स्किल और ट्रेनिंग का भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम अभी स्टॉक मार्केट को लेके बात करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो करीबन कम से कम 24% का रिटर्न तो आप अगर निफ्टी या सेंसेक्स के जो ग्रोथ है, ग्रोथ के अगर आप देखते हैं तो 24% का पार एनम करीबन उसका एक्सपेक्टेशन आपका रहता है, जो 25% का रिटर्न आपको मिलेगा, जो एफडी का हिसाब से करीबन 2 से 4 गुना भी बन जाए। अगर कोई कोई यहाँ पर इंटरडे और स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं तो इंटरडे और स्विंग ट्रेडिंग में करीबन 10% का मंथली रिटर्न आ जाता है, उसमें अगर फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग भी आ जाए तो मंथली 10% का भी रिटर्न निकल लेते हैं जो लोग फ्यूचर ऑप्शन में इंटरडे और स्विंग ट्रेडिंग करते हैं।
तो ये इंटरडे स्विंग ट्रेडिंग वगैरह ये क्या है, इसको हमको थोड़ा सा जानने की भी जरूरत है, इसको क्लियर होने की जरूरत है। तो इससे पहले हम लोग देखते हैं जो ये ट्रेडिंग करने से पहले हम लोग जब ये हाई रिटर्न के सोच में मार्केट में घुस जाते हैं, तो घुस जाने के बाद क्या होता है ना, बहुत सारे कुछ हम लोग इन्वेस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने के बाद बहुत लोग यहाँ पर लॉस भी कर लेते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि उनके पास जो पहले सिस्टम है, नेक्स्ट मार्केट में आने से पहले जो नजर रखना है, फर्स्ट जो रूल्स को मेंटेन करना है, वो फर्स्ट है मनी मैनेजमेंट प्लान। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके पास नहीं है तो इस मार्केट में रिस्क है, क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से आपको मनी मैनेजमेंट करना चाहिए। अगर मनी मैनेजमेंट हो गया तो आप इस मार्केट से अच्छा खासा आप प्रॉफिट निकल पाओगे। अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो आपके लिए ये मार्केट रिस्क बन सकता है। तो मनी मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए यहाँ पर? मान लीजिए मैं कोई इन्वेस्टर, अगर यहाँ पर 1,00,000 का इन्वेस्टर, तो मैंने ऐसा देखा कि बहुत सारे लोग 1,00,000 का इन्वेस्ट तो कर लेते हैं मार्केट में, लेकिन जब उसके पास कोई कॉल्स आते हैं, कोई भी न्यूज आता है, किसी से पूछ के कुछ न्यूज मिल गया, जैसे SBI बाई कर लो या तो कुछ बाई कर लो, तो ज्यादा से ज्यादा लोग मैं देखता हूँ जो पोजिशनल तो लेते बहुत कम है, लेकिन इंटरडे में ज्यादा काम करता है, तो क्या करता है ना, ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेता है। 1,00,000 में से करीबन उसको लिमिट मिलता है 4-5 लाख का, तो लिमिट लेके वो एक दिन में 3-4 लाख का खरीदारी कर लिया। तो अगर वहां पर से 5% का आप हुआ तो उसको 5,000 मिला, अगर वहां से 5% का डाउन हो गया तो एक दिन में 5,000 चला गया। तो ऐसा करते करते क्या होता है, हाई रिस्क लेते लेते एक दिन होता है कि उसका फंड कम होता जाता है कंटिन्यूसली। तो इसको कैसे करना है? तो अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें रिस्क मैनेजमेंट भी आपको करना चाहिए। आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है कि मैं कहीं पर कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ इंटरडे के लिए, तो मेरा वहां पर रिस्क और रिटर्न रेशियो कितना होगा। तो मेरा ये मानना है कि हर ट्रेड में आप कभी भी आपके इन्वेस्टमेंट कैपिटल के हिसाब से 1% से ज्यादा कोई भी एक ट्रेड में रिस्क मत लीजिए एक दिन में। मान लीजिए 1,00,000 का आपका इन्वेस्टमेंट है, तो आपके पास कोई कॉल है जो एक स्टॉक में आपको आज इंटरडे के लिए बाय कर दो, तो आप उसका स्टॉप लॉस 1% तक का हिसाब करके, मतलब आपका जो स्टॉप लॉस अमाउंट है उसको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1,000 तक ही रखें। मतलब अगर उसमें नुकसान हुआ तो 1,000 का नुकसान जाएगा। मतलब डेली ट्रेडिंग में आप कभी भी कोई एक कॉल में 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेते, तो आपके लिए बेहतर है। और ज्यादा से ज्यादा आपको बहुत ज्यादा भी काम करना है तो एक दिन में 5% से ज्यादा कभी भी रिस्क लेना ठीक नहीं होगा। अगर 4-5 कॉल में भी आप काम कर रहे हैं तो मैक्सिमम 5% तक आपका जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है उसका 5% तक ही आपको जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आपका नुकसान हुआ 5,000 का तो भी आपके पास 95,000 है, आप करीबन और भी 20 दिन का ट्रेड करेंगे तब भी आपका अकाउंट खाली नहीं होगा। और कभी भी इस मार्केट में कोई 20 दिन कंटिन्यूसली ट्रेड करता है तो उसका लॉस नहीं होगा, है ना, वो कुछ दिन ना कुछ दिन प्रॉफिट में रहता है, अल्टीमेटली उसमें बैलेंसिंग रहता है। लेकिन आप एक दिन में 20,000 का नुकसान कर लिया, फिर दूसरा दिन उसको रिकवर करने के लिए 30,000 का नुकसान कर लिया, ऐसा करते रहेंगे तो आपका फंड 2-4 दिन 7 दिन 15 दिन में ही खत्म हो जाएगा, तो आप फर्दर और ट्रेड नहीं कर ले पाएंगे, आपका बिजनेस भी यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो ग्रोथ करने के लिए आपको ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसमें आपको हर दिन हर ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा 1% ही रिस्क लेना चाहिए और मैक्सिमम आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग 5% डेली ट्रेडिंग से ज्यादा। सेकंड थिंग है, आपको ट्रेडिंग करने से पहले उसका प्लान करना चाहिए, उसका एंट्री प्लान करना चाहिए, जो अगर डाउन में जाएगा तो कितना परसेंट जा सकता है उस हिसाब से आपको एंट्री लेना चाहिए, और आपका एग्जिट लेवल भी क्लियर होना चाहिए कि मेरा कहां पर प्रॉफिट बुकिंग करना है। अगर ये दो चीज आपका आ गया, एंट्री एग्जिट और बीच में आपका SL, कभी भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको तीन चीज को ध्यान में रखना है। फर्स्ट एंट्री लेवल, उसी के साथ स्टॉप लॉस मस्ट लगाइए, विदाउट SL कभी भी कुछ काम मत करिए। थर्ड, आपका रिटर्न, कहां पर आपको प्रॉफिट बुक करना है, क्या टारगेट, ये तीन चीज को आप लगा के रखिए, और तीन चीज को लगा के आप ट्रेडिंग में आगे बढ़िए, तो आपका नुकसान होने का भी चांस कम होगा। अगर नुकसान जाता है तो लिमिटेड नुकसान होगा, प्रॉफिट होगा तो वो भी आप जो लिमिटेड बना के रखे हैं उस लिमिट में प्रॉफिट होगा। लेकिन इससे आपका क्या होगा, मनी मैनेजमेंट प्रॉपरली होगा, आपका अकाउंट
हेल्दी रहेगा और आप लॉन्ग टर्म में यहाँ पर काम कर पाएंगे। एक दो दिन अगर नुकसान भी चला जाता है लेकिन फिर आपको रिकवर करने के लिए आपका फंड रहेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट नहीं करेंगे, अगर आपको ज्यादा नुकसान हो गया तो आपको रिकवर करने का मौका भी आपके हाथ से निकल सकता है। तो आप सोच सकते हो तो कैसे आप फिर से रिकवर करोगे। तो दोस्तों हम आते हैं आगे, तो ये जो क्लियर होगी आप लोगों को। नेक्स्ट, यहाँ पर मार्केट में काम करने के लिए दो चीज सबसे ज्यादा चाहिए, वो है फर्स्ट डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो मैं पहले भी कर चुका हूँ, मनी मैनेजमेंट नहीं होगा, ये सब डिसिप्लिन के अंदर आता है। तो आपका फंड कितना इन्वेस्टमेंट होगा, उसका मनी मैनेजमेंट आप कैसे कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये सारे कुछ के ट्रेडिंग के भी कुछ रूल्स है। आप ट्रेड लेंगे तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आएगा, लेकिन हर ट्रेड में आप काम करना शुरू कर देंगे तो नुकसान होने का ज्यादा चांस है। आपको हर दिन में दो या तीन ट्रेड ही लेना, इससे ज्यादा नहीं। अगर इंटरडे आप कर रहे हो, पोजिशनल आपको स्विंग ट्रेड कर रहे हो, तो हफ्ता या 15 दिनों में दो चार ट्रेड लेना है, इससे ज्यादा नहीं। महीने में एक दो ट्रेड मिलेगा आपको, पोजिशनल बेस में आप काम कर रहे हो तो साल में एक बार दो बार मौका मिलेगा। तो इसके लिए आपको डिसिप्लिन होना जरूरी है। इससे भी ज्यादा मौका मिल रहा है तो मत काम करिए। और इसके साथ राइट एडुकेशन चाहिए। इस मार्केट को बेनिफिट तभी आपको मिल सकता है अगर इसका प्रॉपर एडुकेशन आपके पास है। तो अगर एडुकेशन नहीं है तो आपको लिए थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। तो इसलिए मैं सबको बताता हूँ कि इसके लिए टोटल गाइडलाइंस को फॉलो करिए, राइट एडुकेशन लेने की कोशिश करिए। तो आप जब कभी इक्विटी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए दो फ्रेंड होता है, हम लोग बोलते हैं हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में। ये फर्स्ट होता है बैलेंस शीट, क्योंकि आप कभी भी कोई भी शेयर्स में आप काम इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके पहले उसका बैलेंस शीट को आपको चेक करना है, जो प्रॉपरली मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसका प्राइस के ऊपर, जो कंटिन्यूसली उसको आप में लेके जाएगा। उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है और तभी उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर ये फंडा आपके पास स्ट्रांग होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट जिस शेयर्स में होगा उसका बेनिफिट सबको मिलता रहेगा। अगर ये आप नहीं देखेंगे उसका फंडामेंटल कैसा है, उसका बैलेंस शीट कैसा है, लेकिन आपने इन्वेस्ट कर दिया कैसे, येस बैंक कहाँ से कहाँ तक कंटिन्यूसली गिरता ही रहा, लेकिन उसमें इमोशन कम करता है ना। तो जब जितना गिर रहा था बहुत सारे लोग, नहीं इतना गिरा है येस बैंक तो फिर से हम लोगों को एंट्री लेना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ये करते करते एक्चुअली कहाँ पर आ गया, जो जितने वहां पर इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो फर्स्ट चीज तो आपको पहले ये आपको समझना है जिसके बैलेंस शीट में कौन कंपनी को मुझे आगे लेके जाना है, कौन शेयर्स को मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा उसमें इन्वेस्ट करना है। और अगर कोई शेयर्स में आपका न्यूज खराब हो रहा है, उसका फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ निकलने का बात हो रहा है, तो आपको तुरंत ही निकल जाना चाहिए उसमें, जितना भी आपका नुकसान हो, लेकिन बड़ा नुकसान से बस बच सकता है। और सेकेंड, आपको टेक्निकल चार्ट में भी आपको फॉलो रहता है, क्योंकि टेक्निकल चार्ट ही आपको बताएगा कि वो कहां से कहां तक जा सकता है। आप यहां पर देख सक रहे हो, ये यहां पर मार्केट एक जगह पर था, यहां से मार्केट इतना अप हुआ, यहां से थोड़ा सा डाउन हुआ, लेकिन अल्टीमेटली नीचे से ऊपर है, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर से और भी ऊपर गया, फिर थोड़ा डाउन हुआ। तो ये चार्ट को आपको फॉलो करना है। अगर आप जब ये मार्केट यहां पर गिर रहा है आप यहां पर इन्वेस्ट करोगे और यहां पर जब नीचे आ रहा है तब निकल जाओगे तो अल्टीमेटली आपका नुकसान ही होगा। तो आपको ध्यान में रखना है, मुझे कहाँ पर ये टेक्निकल चार्ट को फॉलो करके आपको देखना है कहाँ पर मुझे एंट्री होना चाहिए और कहाँ पर प्रॉपरली मेरा प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, या तो लॉन्ग में मुझे कहाँ पर रख के जाना चाहिए। तो इस मार्केट की ये जो अप और डाउन है इसको कौन चलाता है, इस मार्केट में सबसे ज्यादा कंट्रोल जो करते हैं, फर्स्ट है म्यूचुअल फंड वाले, सेकेंड है उसमें इंश्योरेंस कंपनी वाले, थर्ड है सारे बैंक वाले, फोर्थ है कॉर्पोरेट्स वाले, फिफ्थ है ब्रोकर्स वाले, फिर सबसे ज्यादा आप लोग सुने हैं FII या DII, ये लोग कंट्रोल करते हैं इस मार्केट को। और उसके बाद जो बाकी सेवेंथ पोजीशन में होते हैं वो रिटेलर, मतलब मैं और आप जैसा जो लोग हैं, हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके हिसाब से इस मार्केट का अप और डाउन होता है। तो ये पूरा फंडा है इस मार्केट के चलने का, ऊपर जाने का या नीचे आने का। इस मार्केट में मैंने पहले ही किया, बहुत लोग बोलते हैं ये मार्केट बहुत रिस्की है, लेकिन मैं बोलता हूँ ये मार्केट रिस्की नहीं है। मेरे हिसाब से ये मार्केट रिस्की नहीं है, लेकिन इट्स वोलाटाइल है, तो ऑलवेज वोलाटाइल है। तो यहाँ पर ये वोलाटाइल में ही आपको पैसा कमाना है, ये यहाँ पर कहाँ पर लेना है, कहाँ पर एग्जिट करना है। तो ये वोलाटिलिटी जो आता है इसमें अगर आपको एंट्री और एग्जिट समझ में आ गया तो आपके लिए ये मार्केट रिस्की नहीं बने। मैंने पहले ही किया कहा है कि यहाँ पर 5% से 10% लोग है जो ह्यूज प्रॉफिट कमाते हैं, प्रोफेशन जिसको कहा जाता है प्रोफेशनल ट्रेडर्स। और तो मेरा आज का ये वेबिनार करने का एक ही बात है या एक ही मकसद है, जिस आप सब भी थोड़ा सा कोशिश करो मेरी तरह कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर बना जाए, कैसे प्रॉफिट कमाए। तो उसके लिए आपको दौड़ भाग करके ट्रेड नहीं करना है,
कोई भी बोला यहाँ पर एंट्री ले लो मत करना है, आपको सोचना है, टेक्निकल को फॉलो करना है, इसका वोलेटिलिटी को समझना है, फिर जाके आपको एंट्री करना है और टाइम जब मिले, जब टाइम आ गया उस स्टॉक का, तो आपको टेक प्रॉफिट कर लेना चाहिए। तो मैंने इसलिए मैंने आपको बोला जी ये सारे लोग यहाँ पर कंट्रोल करते हैं, तो इस कंट्रोल के अंदर बहुत सारे टाइप के ट्रेडिंग है। तो फर्स्ट जो ट्रेडिंग होता है, मैं आपको एक एक करके बता दूं, फर्स्ट जो ट्रेडिंग होता है उसको हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, जो एक दिन का ही खत्म होता है, मतलब आज ही आपको खरीदा तो आज ही आपको बेच देना होगा, तो इसके इंट्राडे ट्रेडिंग बोलता है, डे ट्रेडिंग भी बोला जाता है। दूसरा होता है जो आप 2-5, 10-15 दिन के लिए कुछ होल्ड करते हैं, तो उसको स्विंग ट्रेडिंग बोला जाता है। और अगर आप 6 महीना, 1 साल, 2 साल के लिए ले रहे हैं तो पोजिशनल ट्रेडिंग होता है। उससे भी लॉन्ग टर्म में आप लेते हैं तो कंपनी के शेयर कंटिन्यूअसली आप होल्ड करके रखते हैं तो उसको पोर्टफोलियो बिल्डिंग कहा जाता है। ये चार्ट टाइप का तकरीबन होता है ना, तो ये चार्ट टाइप का होता है। इस चार्ट टाइप में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इस मार्केट को कैसे आपके हिसाब से काम करना है। तो इस मार्केट में जब भी आपको काम करना है, एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपका एंट्री जब भी होगा, अगर आप बाई साइड में है, आपका बाई साइड में जितना आपका चांसेस है, आप टारगेट जैसा बनाते हो उस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए, और स्टॉप लॉस जितना छोटा होगा उतना अच्छे आपका प्रॉफिट के लिए अच्छा होगा। सेम एज अगर सेल साइड में आप जाते हैं तो आपको बाई साइड में आपको क्या करना है ना, स्टॉप लॉस लगा के रखना है और लॉन्ग टर्म, तो जहां पर आपका प्रॉफिट मिल रहा है वहां पर ही बुक कर दो। ऑटोमेटिकली मैंने बोला जी आपका सक्सेस रेशियो डिपेंड करेगा पूरा डिसिप्लिन के ऊपर, और उसके साथ आपके पास कितना इंफॉर्मेशन है, कितनी पावर को आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, मतलब आप कहाँ पर एंटर, कब आप एंटर कर रहे हैं, कहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं, कहाँ पर आप होल्ड कर रहे हैं, इसके ऊपर ही आपको डिपेंड कर। तो इसके लिए आपको पहले इस मार्केट को थोड़ा देखना है, समझना है, छोटा छोटा ट्रेड ले। कोई कोई बोलेगा जी आपको पेपर ट्रेड लो, तो मैं आपको नहीं बोलूंगा जी पेपर ट्रेड लो, क्योंकि पेपर ट्रेड में कोई इमोशन नहीं मतलब जुड़ता है, तो समझ में नहीं आता। तो मैं आपको ये कहूंगा जी आप छोटा कोई ट्रेड लो, आपको हो सके तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए आप 1-2 शेयर्स में काम करो, 1 शेयर खरीदो, 1 शेयर को बेचो, उसका एंट्री एग्जिट आप फॉलो करो, इसमें से क्या होगा आपका इमोशन जुड़ता रहेगा। जब आपको लगेगा 1-2 महीना करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस आ गया, आप समझने लगा हो लगे हो, चार्ट को फॉलो करना शुरू कर दिया, एनालिसिस को थोड़ा बहुत समझ गया, तो फिर धीरे धीरे आपको ट्रेड का वॉल्यूम आप बढ़ाते रहो। लेकिन पहले ही एकदम बिग वॉल्यूम में काम मत करो, थोड़ा छोटा वॉल्यूम में काम करते करते 1-2 करके उसको प्रैक्टिस करो, उसमें रिस्क रिवॉर्ड को भी मेंटेन करो और एंट्री प्लान बनाओ, उसका स्टॉक सिलेक्शन करो, ये सारे सब कुछ टेक्निकल्स में आता है। ट्रेडिंग का पूरा प्लान आपको बनाना है, और ये प्लान आपको ट्रेडिंग आवर्स में बैठ के नहीं बनाना है, आपको क्या करना है, आप कल ट्रेडिंग करोगे तो आज उसका पूरा प्लान करना है, शेयर्स को देख के कौन सा शेयर्स में मुझे अपट्रेंड लग रहा है, कहाँ का न्यूज वगैरह सब कुछ ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह स्ट्रॉन्ग है, उसका प्लान आज ही कर लेना, जो कल उसको कौन सा लेवल्स में मिलेगा तो कौन सा लेवल में हमें खरीद करना है और कौन सा लेवल में उसको प्रॉफिट बुक करना है, या तो शॉर्ट करना है तो कौन सा लेवल में शॉर्ट करना है और कौन सा लेवल में उसको प्रॉफिट बुक करना है, ये पहले दिन ही प्लान करके रखना है। तो मार्केट में जैसे आप दूसरे दिन घुसोगे तो मार्केट में जब आपको सिनेरियो चलेगा, आपका लेवल्स जब आएगा तभी आपको ट्रेड लेना है, उससे पहले जितना भी हो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, हड़बड़ी नहीं करना है, और हड़बड़ी करोगे तो जहाँ कुछ भी घुस गए कहीं पर भी तो आपका लॉस होने का ज्यादा चांस है, इससे पूरा प्लान करके प्लान के अकॉर्डिंग काम करना। सॉरी दोस्तों, तो इसमें एक बात ध्यान में आपको रखना है कि आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो अगर वो 1:1, मतलब मान लीजिए 1 रुपये का टारगेट और 1 रुपये का स्टॉप लॉस, तो आपको 10 कल में अगर काम करते हो, मतलब 10 ट्रेड ले तो उसमें कम से कम 7-9 ट्रेड प्रॉफिट में जाना चाहिए, ऐसा ही कॉल को आपको चूज कर, तब जाके आपका पोर्टफोलियो या तो आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में रहेगा।
अगर उससे कम हो रहा है, 1:1 रेशियो में आप काम कर रहे हो, 1 रुपए का टारगेट, 1 रुपए का लॉस है, लेकिन आपका 2 या 3 कॉल या 4 कॉल टारगेट हिट हो रहा है और 5 से 6 कॉल आपका नुकसान में जा रहा है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, तो अल्टीमेटली आपका अकाउंट घाटा में जाना शुरू हो गया। तो आपको ये भी प्लान करना है, 1:1 रेशियो में अगर काम करते हो तो आपको 70 से 90% मतलब 7 से 9 कॉल आपको प्रॉफिट में जाना चाहिए, ऐसा आपको मतलब ट्रेडिंग को प्लान करना चाहिए। अगर कोई कोई मैं देखता हूँ जो 50 पैसा में काम करके लिखा था, 50 पैसे का प्रॉफिट लेता है लेकिन 2 रुपए का स्टॉप लॉस लेता है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एक स्टॉप लॉस अगर हट गया, एक स्टॉप लॉस अगर खा गया, तो क्या होगा, आपका 2 रुपए का नुकसान। वो रिकवर करने में आपको करीबन 4 ट्रेड लेना पड़ेगा 50 पैसे है ना, अगर 50 पैसा में आप प्रॉफिट लिख सकते, तो ये आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, ऐसा ट्रेड मत करो। अगर ट्रेडिंग करना है तो कम से कम 1:1 रेशियो में करो, जिसमें आपका 7 से 8 कॉल प्रॉफिट में जाए, कम से कम अगर 6 कॉल भी आपका प्रॉफिट में गया ना, तब भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे, क्योंकि 6 कॉल में अगर प्रॉफिट जाता है तो आपका 6 रुपया का प्रॉफिट होगा, 4 कॉल नुकसान में जाता है तो 4, फिर भी आपका 2 बचे। अगर 5 प्रॉफिट में गया, 5 स्टॉप लॉस खाया, फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे क्या, नहीं, आपका बैलेंस इक्वल रहा, आपका पैसे में कोई घाटा नहीं गया ना। तो कोशिश करो इस सिस्टम को फॉलो करने के लिए। साथ ही अगर 1:2 कॉल मिलता है तो उसमें 6 से 9, अगर 60% का भी एक्यूरेसी मिलता है आपको, मतलब 10 में से 6 भी हिट करता है, तो भी आप बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट में रहोगे। कुछ ट्रेड ऐसा लेने की कोशिश करो जिसमें 1:3 रेशियो बनता है, अगर 1:3 रेशियो में आपका 7 कॉल भी आपका स्टॉप लॉस खाया, अगर 3 कॉल भी प्रॉफिट हो गया, तब भी आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट में रहोगे। अगर आप 1:4 रेशियो कोई कॉल आप तैयार कर सकते हो जिसमें आप एंट्री लेते हो, तो 10 कॉल में अगर आपका 2 कॉल भी हिट कर गया, तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। 8 कॉल अगर नुकसान में जाता है, तब भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। अगर इसमें अगर 2 से 3 कॉल भी प्रॉफिट रहता है, तो अच्छा नुकसान, अच्छा खासा प्रॉफिट में बन सकता है। और कुछ कॉल ऐसा बनाओ जिसमें 1:10 रेशियो होता है, मतलब नुकसान होगा 1 रुपया का, टारगेट होगा 10 रुपया। तो अगर ऐसा कॉल में, अगर 10 कॉल में भी आप काम करते हो, 1 कॉल भी आपका नुकसान में जाता है, सॉरी 1 कॉल में भी प्रॉफिट जाता है, 9 कॉल भी आपका नुकसान में जाता है, फिर भी आपका बैलेंस सही रहेगा। अगर 2 कॉल भी आपका प्रॉफिट में चला गया 1:10 रेशियो में इस हिसाब से, तो क्या होगा ना, 8 कॉल आपका नुकसान जाता है तो 8 रुपया का जाएगा, लेकिन 2 कॉल आपने प्रॉफिट किया 10 रुपया करके, तो 2 कॉल में आपको 20 रुपया मिला, तो फिर भी 20 से अगर आपका 8 माइनस करोगे तो 12 रुपया का एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो ये रेशियो मेंटेन करके आप काम करना कोशिश करो, तो इसमें आपका ट्रेडिंग बहुत अच्छा बनेगा, लिमिटेड ट्रेड होगा लेकिन आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा। आप भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर के हिसाब से आप ट्रेड करना शुरू करोगे। इसमें मैंने जो बोला इसमें सारे कुछ आ गया, मतलब इंट्राडे आ गया, स्विंग भी आ गया, इसके अंदर पोजिशनल भी आ गया। तो इसको हिसाब में रख के जो अच्छा ट्रेड करता है उसको ये मार्केट ज्यादा प्रॉफिट देता है। जिसके पास पेशेंस है, ट्रेडिंग प्लान है, प्लान के अंदर ये भी है ना, रेशियो मेंटेन करना, तो उसके पास ज्यादा प्रॉफिट्स आता है। तो इसको मेंटेन करना है, तो इसको मेंटेन करने के लिए मैं आप लोगों को एक बैलेंस शीट भी दिखाता हूँ, ये मेरा कैसा ट्रेडिंग चल रहा है, मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ तो इस रेशियो से मेरा कैसे चल। तो अगर ये आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो देख सकते हैं थोड़ा सा, बन गया है। जैसे आप देख पा रहे हो फिर भी थोड़ा सा आप ही जैसे देखो, मेरा यहाँ पर एक ट्रेड बना है, इस ट्रेड में आप देख सकते हो, यहाँ पर देख मुझे नजर नहीं आ रहा है यार यहाँ पर है, लेकिन फिर भी मैं ठीक है चलो। अच्छा निफ्टी में मैंने काम किया था, 525 में निकल गया था, 525 क्वांटिटी में हुआ था, 83.91 में मैं बाई किया था, हमारा बाई हुआ था, और 85.87 में इसका एग्जिट हुआ था।
तो 1027 का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। अगर आप निफ्टी में दूसरा देखोगे 9200 स्पॉट में है, 9216 में एंट्री हुआ, 9245 में इसका एग्जिट हो गया। तो मैं आपको पूरा लाइव ट्रेडिंग, मतलब मेरा जो रिपोर्ट है, मैं जो ट्रेड हमारा जो ट्रेड करते हैं, मेरे क्लाइंट भी जो ट्रेड करते हैं, मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। 2175 का निफ्टी में प्रॉफिट किया है, सिल्वर में देखिए 85 का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 85 का जो कर्ज लग जाएगा अलग से वो छोड़िए, लेकिन 85 का उसका प्रॉफिट हुआ है। निफ्टी में पुट में काम किया था 150 क्वांटिटी में, जो 19.20 रुपये में लिया था और 58.28 में उसको बेचा गया था, उसमें प्रॉफिट हुआ 5,861 रुपये। गोल्ड मिनी में काम किया था चार लॉट में उसका प्रॉफिट हुआ कितना ना आप देखोगे, 46,510 में बाई किया है और 46,631 में निकाला है, करीबन 120 पॉइंट का है ना। तो इसमें 120 पॉइंट में 4,840 रुपये का उसका प्रॉफिट। तो पूरा दिन भर का प्रॉफिट कितना हो, करीबन आप देखो 5,4,9,2,11,12,13,000 का आसपास का एक दिन में प्रॉफिट किया। ये इंटरडे करते हैं, लेकिन इसका रेशियो होता है 1:1, जिसमें इसका 80% का एक्यूरेसी लेवल्स होता है, 80-90% का एक्यूरेसी लेवल होता है, इसलिए इतना अच्छा प्रॉफिट बनता है। ओके, थोड़ा सा हम लोग और बैक में जाएंगे, सेकंड हम देखेंगे इसको। सेकंड में भी देखिए जो निफ्टी में काम हुआ 1027 85 5861 8,840 का मुनाफा हुआ है ना। तो पूरा दिन भर का अल्टीमेटली यहाँ पर 11,000 का मुनाफा। नेक्स्ट अगर सेशन में देखते हैं तो इसमें भी देखिए निफ्टी में काम हुआ, इसमें पुट में काम हुआ, ये शायद हेज कॉलिंग किया था, तो हेज में जो हुआ था उसमें पुट में 1,042 का एक प्रॉफिट हुआ है। स्कॉट का फ्यूचर बाई किया था 1100 का फ्यूचर, आप देख रहे हो यहाँ पर 1100 है, 677.95 में बाई किया था, 682.20 में निकल गया था। तो ये 1:1 रेशियो का एक कॉल था, जिसमें 1 रुपया का स्टॉप लॉस और 1 रुपया का टारगेट ऐसा कुछ बनाया था, इसमें 4,675 का मुनाफा निकाला है। नेक्स्ट आप गोल्ड में देख रहे हो, नेक्स्ट गोल्ड एक मेगा में काम किया है, 45,680 में बाई किया है और 45,725 में निकला है, फिर भी 4,500 का प्रॉफिट हुआ है। गोल्ड मिनी में काम किया है, उसमें 2 लॉट में, तो अभी भी उसका प्रॉफिट नहीं है। बैंक निफ्टी में काम किया था, इसमें छोटा सा एक नुकसान है 894 रुपये। अल्टीमेटली फिर भी मार्केट टू मार्केट यहाँ पर करीबन 9-10 हजार का प्रॉफिट इस सेशन में भी, इन डे में भी है। नेक्स्ट और एक सीट देखते हैं हम, ये करंट सीट है जिसमें इसने काम किया है, निफ्टी में काम किया है, जिसमें निफ्टी में आप देख सकते हो 75 लॉट एक एक लॉट में काम किया, उसमें 3,195 का प्रॉफिट कमाया है। गोल्ड में आप देखोगे एक लॉट में गोल्ड मेगा में काम किया है, 45,330 में बाई, 45,460 मतलब 130 पॉइंट का मुनाफा निकाला है, जिसमें एक लॉट में 13,000 का प्रॉफिट आया है। नेक्स्ट सिल्वर मिनी में आप देख सकते हो, सिल्वर मिनी ने गोल्ड मिनी में भी काम किया है एक लॉट में, तो उसमें भी उसका 967 रुपये का प्रॉफिट मिला। सिल्वर मिनी ने कुछ काम नहीं किया है, वो कहीं पर एंट्री लिया फिर एग्जिट भी कर लिया ऐसा कुछ हुआ, तो या होल्डिंग भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट नहीं दिखा रहा है। नेक्स्ट निकल में काम किया इंटरडे में 913.80 में, 2 लॉट में काम किया, 915.85 में निकल गया, 6,150 मतलब मान लीजिए दिन भर का उसका कमाई कितना हुआ, 13,000, 6,000, 19,000, 19,000, 22,000, 23,000 करीबन 23,000 का प्रॉफिट निकाला एक दिन में इंटरडे में। समझ सकते हो अगर 15-20 हजार का, 10-30 हजार का प्रॉफिट अगर इंटरडे में निकलता है तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इसके लिए ट्रेडिंग डिसिप्लिन होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए और पूरा नॉलेज भी होना चाहिए। अगर ये सारे कुछ को आप पेशेंस में रख के करते हो, ध्यान में रख के करते हो, तो ये मुनाफा आप भी कमा सकते हो। लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत आपको टेक्निकल का भी नॉलेज होना चाहिए, ट्रेंड को भी आपको ट्रेंड बनाना,
चाहिए, क्योंकि इस मार्केट में एक ही बात है, ये ट्रेंड इज ट्रेंड। अगर ट्रेंड के हिसाब से आप काम करते हो तो आपको ऑलवेज प्रॉफिट ही मिलेगा। अगर ट्रेंड के बाहर आप काम करोगे, ट्रेंड के विरोध में आप काम करोगे, तो आपको ज्यादा नुकसान लेना पड़ेगा। तो मैं, मेरे दोस्त जो लोग मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैं सबको बोलता हूँ कि ट्रेंड इज ट्रेंड, तो ट्रेंड में रह के ही काम करो। तो मैं भी जो कॉज वगैरह जो सपोर्ट देता हूँ सबको, तो लेवल्स वगैरह जो भी सपोर्ट देता हूँ, वो ट्रेंड के अंदर ही देने की कोशिश करता हूँ। ज्यादा से ज्यादा आपको मिल जाएगा 70-80% का उसका एक्यूरेसी भी मिल जाता है। तो मेरा एक ही मानना है, मेरा यही कोशिश है, जो सब मिलकर आओ, 95% में नहीं, 5% में आओ, प्रोफेशनल ट्रेडर बनो, इंस्टीट्यूशन जैसा काम करने की कोशिश करो, सीखो इस मार्केट को, थोड़ा बेहतर काम करो, जिसमें से अच्छा खासा प्रॉफिट बनाओ हर महीना, मतलब प्रॉफिट मिलो। अगर ये मैं जो सिस्टम बोल रहा हूँ, जो पैटर्न मैंने आपको दिखाया, अगर इसको आप फॉलो करोगे, तो आपको हर हफ्ता में, अगर हर दिन में आपको प्रॉफिट कम भी होता है या तो नहीं भी होता, लेकिन हफ्ते के खत्म होते ही आप देखोगे नहीं, अल्टीमेटली प्रॉफिट में आ जाओगे, या तो महीने में आप देखोगे कि अल्टीमेटली आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहोगे, और आपका अकाउंट भी सेव रहेगा, क्योंकि प्रॉपर मनी मैनेजमेंट इस मार्केट में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये मनी मैनेजमेंट भी आपको करना चाहिए। अगर मनी मैनेजमेंट नहीं हुआ तो ये प्रॉफिट आप नहीं कर पाओ। तो मेरा यही कोशिश है, ये इम्प्रूव योर ट्रेडिंग हैबिट्स, मेक सक्सेस ए हैबिट। इसके लिए मेरा ये वेबिनार था, जो जिसमें आपको सक्सेस का एक हैबिट बना लीजिए, आप ऐसा खुद में तैयार करो जिसमें से आपको भी इस मार्केट से कंटिन्यूसली सक्सेस मिल जाए। तो इसके लिए मेरा सपोर्ट कॉपरेशन रहेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा नाम तो नारायण आपको पता है, मेरा मोबाइल नंबर भी ये है, और मेरा एलएक्सब्लू इंडिया में ये मेरा ने प्रमोट किया है। तो एलएक्सब्लू इंडिया में आप लोग जुड़ जाओ, यहाँ पर अकाउंट खोलो, आपका आईडी जो है वो आईडी मुझे मैसेज करो इस नंबर पे। अगर कोई भी लेवल्स आपको जानना है, कुछ भी लेवल्स देखना है, सपोर्ट चाहिए, तो मेरे इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।